फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताने वाला हूँ एक्यूप्रेशर, योग और कलर, ये जो मैंने नाम दिया है, और इसे सीखने से आपको क्या फ़ायदा है, क्यों सीखना चाहिए एक्यूप्रेशर, क्यों सीखना चाहिए योग और क्यों सीखना चाहिए कलर का पॉइंट। दोस्तों, हमारा जो आज का टाइम में जो रूटीन है, खान पान है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है। हम मशीन के ऊपर में टोटल डिपेंड हो गए हैं। अगर मशीन का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो हमारे हाथ के सारे पॉइंट्स, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिया और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से उलझते चले जा रहे हैं। कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कभी लीवर का प्रॉब्लम होता है, कभी नींद का प्रॉब्लम होता है, कभी ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, कभी कान का, नाक का। और हम लोग की स्प्लीन की कहानी तो ऐसी हो गई है प्रतिरोधक शक्ति की, कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगती है, कुछ भी एनर्जेटिक कुछ ऐसा होता है तो हम लोग को सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती है। बगैर एंटीबायोटिक का चलता ही नहीं है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक हम लोग कब तक खाते रहेंगे और पावर उसका कब तक बड़ा करके हम लोग लेते रहेंगे? तो उसे चेंज करने के लिए अपने जीवन के, अपने लाइफ स्टाइल को तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? आज अगर आप कुएं से पानी नहीं ला सकते, बकेट में पानी नहीं उठा के नीचे ऊपर कर सकते, खाने के रूटीन को नहीं चेंज कर सकते, तो कुछ तो चेंज करेंगे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। आज जिनका काम है कॉल सेंटर में, वो रात में ही काम करेंगे, दिन में नहीं कर सकते। तो सारी रूटीन है, सारा सिस्टम है, उसे कैसे चेंज करें? इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा वक्त आप निकाल लेंगे तो आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या है? इसी के लिए योग की ज़रूरत है। हमारे हाथों में भगवान ने सारे पॉइंट्स दिए हैं, इस हाथों में, इस हाथों में, हमारे दोनों पाँव में, हमारे दोनों पाँव के अंदर में भगवान ने सारे पॉइंट्स दिए हैं, हमारे पूरे आर्म में भगवान ने सारे पॉइंट्स दिए हैं। ये पूरा फुल, ये जो पूरे आर्म्स है, ये पूरे आर्म्स में सारे भगवान ने पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, ये पूरे पाँव में हमारे सारे पॉइंट्स है। तो ये हमारी बॉडी का एक बात देखिए, ये इतना सा हमारा ऑर्गेन, यहाँ पे मेरा लीवर है, गोल ब्लैडर है, स्टोमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, ये बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऐसे करके हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी जो ये पार्ट है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सर्वाइकल, थोरैसिक और ये हमारा लंबर पार्ट है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इतना ही है। और ये हमारा ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का सारा पार्ट है, हमारी आँखें, नाक, ये इस सारे के पॉइंट्स भगवान ने हमारे हाथों में दिया और पाँव में दिया। भगवान ने इसलिए दिया कि हम कुछ तो मेहनत करेंगे, और कुछ भी मेहनत करेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने सारे रूटीन को चेंज कर दिया। हम लोगों का सारा रूटीन पाँव में, हम लोग अब बहुत सॉफ्ट शूज पहनते हैं, हाथ से कोई काम नहीं करते, टच स्क्रीन मोबाइल आ गया है, रिमोट से सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है। अब एक्यूप्रेशर कब करना चाहिए और योग कब करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपके पास सुबह में टाइम है तो योग कीजिए। योग का प्राणायाम और सूर्य नमस्कार अगर आप इतना करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं 100%। एक्यूप्रेशर की क्यों ज़रूरत है? जिस तरह से आप डेली जाके बात करते हैं, नहाते हैं, बाहर से कुछ भी गंदगी लग जाती है उसे आप साफ़ कर लेते हैं, चेहरे पे लगा, चेहरे की गंदगी के साथ क्या, आँख का क्या, सर का क्या, सारी चीज़ें, कान नाक, पूरा ऊपर की सारी गंदगी को तो आप साफ़ कर लेते हैं, लेकिन क्या आपके जो ये ऑर्गेंस हैं बॉडी के अंदर में, उसकी गंदगी को आप साफ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। उसे साफ़ करने के लिए कैसे करेंगे साफ? आपने, हमारे तो बहुत सारे बच्चे लालटेन देखा ही नहीं होगा, लैंप देखा ही नहीं होगा। पहले के ज़माने में लैंप और लालटेन होता था, उसके शीशे पे पूरा ब्लैक लगता था, ब्लैक, कालापन, उसे ऊपर से नहीं साफ किया सकता, तो उसे अंदर में देखिए धीरे 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 करके हम लोग साफ करते थे। तो उस वक्त उसे इसी तरह से हमारे अंदर के ऑर्गन्स कैसे साफ होंगे, उसके लिए हमें, उसके स्नान के लिए हमें एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है। तो हमारे हाथ में ये लीवर पॉइंट है, ये हमारा हार्ट पॉइंट है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारी आँखें, नाक, मुँह, नेक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इसे, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड फुल, ये हमारे 7 ग्लैंड्स और ये हमारा ब्रेन पॉइंट, अगर इतना हम डेली करेंगे एक्यूप्रेशर रात में,
एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाएंगे, अगर पेन से भी अगर आप दबाते हैं ऐसे ऐसे करके सारे पॉइंट्स को आपको मालूम हो जाए और इसको दबाने लगेंगे तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों करना क्या है, क्यों चाहिए? पहले के ज़माने में उठाते थे तो ये सारे हमारे उंगली में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, ये सारे के टॉप पे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। तो हमने काम, या तो काम करना है आपको, काम कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो रात में 5 से 10 मिनट के बाद खाना खाने के बाद भूखे पेट एक्यूप्रेशर कभी नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर आपने ये कर लिया हाथ से अंगूठे से, इससे हर एक पॉइंट्स को, हर एक ऑर्गन्स को मालूम होना चाहिए और उसको दबाते रहे तो आप 100% स्वस्थ। दूसरी बात है, अगर आप एक्यूप्रेशर से मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को आप डेली कीजिए। हाँ, मैंने लगभग बहुत सारे वीडियोस दिया है, वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत इजी समझाने की कोशिश किया है कि अगर मान लीजिए गर्दन में दर्द है, एक कलर लगाया तो उसे आराम मिल सकता है। ये मेरिडियन होता है, एक एरिया होता है, एक पाथवे है, जोन है। तो इस तरह के एरियाज हैं जिस एरिया में आप वो कलर का इस्तेमाल करने से उस एरिया की बीमारी दूर हो जाती है। जो मेडिकल साइंस में आप कितना भी सीटी स्कैन निकाल लें, एमआरआई कर लें, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों इसके लिए ही हमें एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है। तो एक्यूप्रेशर की आवश्यकता हमें इसलिए, हार्ट के इस पॉइंट को दबाने के बाद, ये सारे हार्ट के पॉइंट को दबाने के बाद हम हार्ट की किसी भी डिजीज से बाहर आ सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोज में दिया। लीवर के पॉइंट को दबाने के बाद लीवर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को बारे में हम, जो मैंने पिछले वीडियोज में दिया आप देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट को दबाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के सारी बीमारी से दूर हो सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी के हर एक पार्ट से, अभी तो आँख का, अभी आँखों का काम ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों ये आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पे पॉइंट अगर दबाएंगे, इस जगह पे पॉइंट दबाने के बाद मैंने वीडियोज में दिया वो देखिए, वो आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, थोड़ी सी परेशानी, जिस तरह से गंदगी यहाँ लग जाती है, अब बहुत काला हो जाता है तो साफ करने में थोड़ा टाइम जाता है, उसी तरह से हमारे अंदर की बीमारी में जो गंदगी बरसों से, अंदाज़ा लगाइए ऊपर में थोड़ा सा ऑयल आपको लगता है, उसको कितना साबुन लगा के आपको साफ करना पड़ता है। तो हम लोग जो टन का टन ऑयल खाए हुए हैं, जो डेली इतनी ऑयली चीज़ खाए हुए हैं, तो हमारे अंदर के ऑर्गेंस में कितनी गंदगी लगी होगी, उसको कैसे साफ कीजिएगा? इसी के लिए तो पहले हम लोग काम करते थे, वर्क करते थे, तो उससे वो साफ हो जाया करता था। लेकिन आज तो हम लोग मेहनत करना एकदम छोड़ दिए हैं, शारीरिक मेहनत होता ही नहीं है। पहले खेलते थे, प्ले करते थे, बाहर जाते थे, क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते थे, घूमते थे, पैदल चलते थे, सब कुछ करते थे, इसलिए हमारा एक्सरसाइज होता था, हम फिट रहते थे। आज नहीं करते तो वही ऑयल जमते 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 हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमारे बॉडी फैल जाते हैं, बॉडी में चर्बियाँ बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इसलिए हमारा डेली का रूटीन जो अच्छा नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है, सुबह में हमें योगा की ज़रूरत है और कलर थेरेपी की ज़रूरत है। तो दोस्तों जिनके पास सुबह में टाइम है, योगा कीजिए, योगा के अलावा फिर आप एक्यूप्रेशर का सारे पॉइंट्स को दबाइए। मैं छोटा वीडियोस बनाने की साथ में बोलने के लिए जाऊँ तो लगभग 1.5 से 2 घंटे टाइम लगेंगे, मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं छोटे वीडियोस आपको दूँ जो आप पूरी तरह से देख सके और पसंद कर सके, लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर सके दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, रात में एक्यूप्रेशर का पॉइंट 5 मिनट टाइम घड़ी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए आप टीवी देखते हुए आप ये सब पॉइंट्स को दबाते रहते हैं, खाली मालूम होना चाहिए क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में दिया है एक्यूप्रेशर के 5 स्टेप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये आँख के पॉइंट्स दबा लें, सीड्स कैसे लगाया जाता है वो मैंने दिया है पीछे वीडियो में, मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स को ये करते करते आप हर एक तरह की बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने लिए 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का वक्त ज़रूर निकालिए और ये एक्सरसाइज करके खुद स्वस्थ होइए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने समाज को स्वस्थ रखिए, अपने देश को स्वस्थ रखिए और विश्व को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि एक्यूप्रेशर की ज़रूरत क्यों है। हमारा रूटीन लाइफ, हमने मेहनत करना छोड़ दिया, बाइक से चलते हैं, अगर साइकिल से चलते तो आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम लोग पैदल चल के जाते, वॉक करते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर चक्की का आटा खुद से पीसते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, कुएं से पानी लेते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने हर एक जगह पे जो मशीन को ला के रखा है, इसलिए इस मशीन लाइफ के कारण हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट, पहले भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता था लेकिन हम काम करने से कर लिया करते थे, अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 10 मिनट की ज़रूरत है कि हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें और अंदर के ऑर्गन को नहलाएं, वॉश करें। कैसे उसको वॉश कर सकते हैं? इसीलिए लोगों ने जो है, हमारे यहाँ हाथ धोने की प्रथा है,
पांव धोने की प्रथा है, हमारे पांव में सारे ऑर्गेन्स है, ये सब जितनी जगह पे सारे ऑर्गेन्स है, ये सब सारे साइड में सारे ऑर्गेन्स है दोस्तों। तो मैंने वीडियोज में दिया है, उसे देखिए और उसे देखने के बाद आप इसे कीजिए और दूसरों से भी करवाने की कोशिश कीजिए, आप 100% स्वस्थ हो सकते हैं किसी भी बीमारी से, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। मेडिसिन से जितना फास्ट आपको फायदा नहीं मिलेगा उससे ज्यादा हमारे सारे वीडियोस देखिए और उसको यूज करके देखिए, तो आपको फील होगा कि बहुत सारे वीडियोस को सिर्फ अप्लाई करते करते गर्दन में दर्द है, यहाँ पे अप्लाई करने से आप ठीक हो सकते हैं, पूरे बॉडी में पेन है यहाँ पे अप्लाई करने से ठीक हो सकते हैं, जुलाब हो रहा है यहाँ पे अप्लाई करने से ठीक हो सकते हैं, माइग्रेन प्रॉब्लम है, हेडेक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कलर अप्लाई करने से ठीक हो सकते हैं, और ये सारे ऑर्गन्स को दबा के। तो हमारे जितने देखिए ये सारे पार्ट्स हैं, देखिए ये जो जितने जॉइंट्स हैं भगवान ने ऐसे नहीं दिया, ये सारे जॉइंट्स का काम है, इसके अलग अलग काम है, वर्क है ये सारे जॉइंट्स। ये हाथ में जितने आपके हाथों में तीन तीन रेखा जो ये हैं, तो ये भगवान ने ऐसे नहीं दिया, ये हमारी आर्टरीज हैं, ये रेखाएँ हमारी आर्टरीज हैं, कहीं पर पार्ट उठा हुआ है कहीं पे पार्ट बैठा हुआ है, तो आप देखते होंगे ये ऐसे नहीं उठा हुआ है, हमारे सीने का पार्ट उठा हुआ है और पेट का पार्ट नीचे है, वो तो हम लोगों ने खा पी के पेट को बाहर कर दिया है, इसीलिए हम इतनी सारी तकलीफें होंगी। हाथ ऐसे रखते देखिए, ये हमारे स्मॉल डाइजेस्ट है, पेट हमेशा अंदर गया है, यंग बच्चों को देखिए जो मेहनत करते हैं उसका हमेशा नीचे रहा, ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स, ये दोनों पाँव हैं, ये दोनों हाथ हैं, भगवान ने टोटल ऐसा ही बनाया है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है आपको, आप एक्यूप्रेशर कीजिए, सुबह में योगा है जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं भस्त्रिका, तो सांसों के थ्रू आप इनहेल करते हैं, और ये जो जितनी चीजें करते हैं करने से क्या होता है कि आप अंदर के सारे ऑर्गन्स को साफ करते हैं, पंपिंग करते हैं ना, हार्ट को दबाते हैं पंपिंग करने, उसी तरह से एक्यूप्रेशर को पॉइंट दबा के आप स्वस्थ रहते हैं, इसलिए एक्यूप्रेशर की जरूरत है। कलर की जरूरत है, आप देखते होंगे भगवान ने इतने सारे कलर्स बनाए हैं, क्योंकि हमारे उस जगह पे पॉइंट लगाने से, इसलिए पहले लोग नेल पेंट लगाते थे, बहुत सारी चीज़ें लगाते थे। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी कोशिश किया है कि आपको ये बताऊं कि एक्यूप्रेशर की ज़रूरत क्यों है, योग की ज़रूरत क्यों है, और साथ में कलर की ज़रूरत क्यों है, कलर थेरेपी की, और वाटर थेरेपी की ज़रूरत क्यों है खाना खाने से, ये सारी वीडियोज़ मैंने पीछे दिया है। तो दोस्तों इसका एक ही मकसद है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके पैसे बचे, जिस इतने कॉस्टली पैसे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं वो सेव हो, एक रुपए भी आपके बाहर ना जाए, और साथ में अपने परिवार को स्वस्थ रख के समाज को स्वस्थ रखते हुए देश को और पूरे विश्व को स्वस्थ रखे। हमारे भारत में शुरू से ये प्रथा रही है कि वो हमेशा विश्व के बारे में सोचे हैं और लोगों को स्वस्थ के लिए ये किया है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा कीजिए, ये हमारी छोटी सी कोशिश है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और इसे पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फायदा नजर आएगा। और इससे पीछे जो मैंने जितने वीडियोज देखे हैं, एक मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा देख के दीजिए, देखिए और अप्लाई कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।